देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बकाया भुगतान समेत अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ठेकेदार लॉकडाउन चेक पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर डटे ठेकेदारों ने बीते रोज जारी हुए शासनादेश के खिलाफ सड़क पर उतरकर नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों ने अपर मुख्य सचिव के पुतले को आग के हवाले करने के साथ ही सीओ की कॉपियां भी फूंक डाली। ठेकेदारों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ठेकेदारों को राहत देने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में एक ही निर्माण कार्य के अब आधा आधा किलोमीटर के कई टुकड़े हो सकेंगे। देर शाम जारी हुए इस आदेश को छलावा करार देते हुए आज ठेकेदारों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध जताया। तो हमारी अपनी जब तक मांगे हैं, जो हमारी मांगे हैं, मुख्यमंत्री जी ने हमारे को कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया, और जब तक वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, और जारी तब तक रहेगा जब तक हमारे उत्तराखंड के ठेकेदारों के लिए कोई बहुत बढ़िया सा जियो जिससे हमारे छोटे छोटे ठेकेदार काम कर पाए और हमारी जो अपने परिवार को चला पाए। क्योंकि ओम प्रकाश जी का तो सीधा सीधा फंडा है हो गया, क्योंकि पहले भी और है यहाँ पर भ्रष्ट रहे, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए उनका। वो आज फिर उस भ्रष्ट अधिकारी को इतने बड़े पद पे बिठा दिया सरकार ने, और वो जिससे कि उत्तराखंड के ठेकेदारों को बाहर करने से और बाहर की कंपनी को यहाँ ला करके विस्थापित करने का काम कर रहे हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।